जो ये आग लगी हुई थी यहाँ पे जो दो मकान और दो काउ शेड्स की वजह से जो ये आग जहाँ पे नुकसानदेह हो चुके थे, मैं यहाँ के तोरना बटालियन और खासकर 161 ब्रिगेड का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने जिनके जवानों ने यहाँ पर जो हम नहीं कर सके वो यहाँ के फ़ौज के जवानों ने कर दिखाया। और अगर यहाँ की बस्ती सेफ है तो उसका कारण एक ही है कि जो यहाँ पर फ़ौज मौके पर पहुँच कर 25 पंजाब के नौजवान यहाँ पे जो जवान पहुँच कर उन्होंने अपनी जान को हथेली पे रख कर यहाँ पर उस आग को कंट्रोल किया। मैं अपनी तरफ से और अपने ब्लॉक की तरफ से और अपने कौंसिल की तरफ से और ख़ासकर यहाँ के जीज़ शेरी की तरफ से जीज़ों की तरफ से उन सभी 25 पंजाब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज के इस दिन पर जिन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा मदद भी उनको की राशन के रिलेटेड, और भी हम उनसे इंशाल्लाह उम्मीदें बहुत सारी हमारी जुड़ी हुई हैं फ़ौज के साथ, और उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह कि जो यहाँ पर अब्दुल अहद साहब का मकान जो जला हुआ है उसमें उनका अहम रोल रहेगा। और तहे दिल से मैं उनका आखिर पर और शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी अपने लोगों की तरफ से और अब्दुल अहद तौंतरे साहब की तरफ से भी उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ करता हूँ कि उन्होंने सबों ने मिलजुल कर। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, यहाँ एक गाड़ी होती है उसके चार टायर होते हैं, अगर एक टायर भी ख़राब हो जाता है तो गाड़ी नहीं चलती है। तो यहाँ का एक ऐसा सिस्टम है कि पुलिस, फौज, जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेशन चारों टायर जो है बिल्कुल इनमें हवा फिट है और चारों टायर हर सिमत में चलते हैं जहाँ भी कोई। लेकिन ज़्यादा तवक्कात है हम बॉर्डर एरिया के लोगों का वो फौज के साथ है। इनके साथ हम बहुत सी बातें ऐसी शेयर करते हैं जो हमें बाकी जगह से भी शेयर करनी पड़ती हैं, लेकिन ये उम्मीद ज़्यादा इनसे लगी होती है कि ये तुरंत कार्रवाई करके ग्राउंड लेवल पर अपना जो है सिक्का मनवा लेते हैं। तो मैं इसी के साथ साथ इस फौज का, इनके जवानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब्दुल अहद का मकान मैंने कल भी इंटरव्यू में बताया, अब्दुल अहद का मकान नहीं जला है, ये हम सब इलाके लोगों के मकान जला है। तो मैं आज एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ अपने सब लोगों से कि फौज और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इस आग की वारदातों पर एक लाहे अमल फ्रेम करें जिससे कि तुरंत कार्रवाई हो, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन भी और फौज भी साथ साथ जुड़े।